Okay, so we started with the S block elements where we discussed about the group 1 elements, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. Francium is a radioactive element, ठीक है? तो वो radioactivity में involved होता है. For the S block elements, for the group 1 elements that we also called as alkali metals, क्या हम इनको और क्या कहते हैं एल्कली मेटल्स कहते हैं. दे आर हैविंग द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NS1. ओके, आगे है नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जो भी आपकी है नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन के साथ, राइट. दे आर हैविंग द जनरल कॉन्फ़िगरेशन एज NS1. So we discussed about the ionic radii, atomic radii. तो हमने ये discuss किया है कि क्योंकि ये बिल्कुल extreme पे हैं, okay? They are present on the extreme side of the periodic table. So when we move along the period, तो जब आप period के along move करोगे, तो आपको पता है कि जो nuclear charge है, okay? It keeps on increasing. So the atomic radii, atomic size of the atom, it keeps on decreasing if we move along the period. इस context में क्योंकि ये बिल्कुल ही extreme point पे हैं, so they are having very very large radii. Okay? तो इनके केस में जो atomic और ionic radii इसकी values होती हैं, they are maximum. Okay? Next we discussed about their ionization energy. तो ionization energy में हमने ये कहा है कि after losing one electron they will be acquiring the noble gas configuration. Okay? तो इसलिए ये जो है वो एक इलेक्ट्रॉन बहुत easily remove कर देते हैं, donate कर देते हैं. So they are having low values of ionization energy. The first value of ionization energy is low because after losing this particular electron they will be acquiring the noble gas configuration, this which is a stable configuration. बट यही अगर मैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, देन दैट विल बी वेरी वेरी हाई. व्हाई? बिकॉज फॉर द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी वी हैव टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. तो हमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को हिलाना पड़ेगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करवाने पड़ेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल. ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज में हमने ये कहा था कि दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव. इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ. ओके, बट सिंस दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, दे कैन रेडिली लूज देयर वन सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड देन दे विल बी एक्वायरिंग द पॉजिटिव चार्ज. सो इनका इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर. ओके, सो दे आर हैविंग लेस इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वैल्यूज. ये रिलीज करते हैं रादर एक्सेप्ट करने से. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वाज ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ऑक्सीडेशन स्टेट्स में हमने यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया है कि ये एक इलेक्ट्रॉन रेडिली लूज कर देते हैं, सो दे आर हैविंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, right? And their electropositive character, if I talk about the electropositive character, it will increase when we move down the group. जब आप नीचे आते जाओगे जो साइज है वो बढ़ता जाएगा. ओके, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट द स्क्रीनिंग इफेक्ट इज ऑल्सो देयर. दो द प्रोटोन्स, जब आप नीचे जाते हो तो प्रोटोन्स का नंबर भी इंक्रीज होता है. द नंबर ऑफ स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट, स्क्रीनिंग इफेक्ट बाय द इनर इलेक्ट्रॉन, इट ऑल्सो इंक्रीजेस. बट ये जो इफेक्ट है ये ज्यादा हो जाता है. ओके, दिस इफेक्ट इज मोर एज कम्पेयर टू द न्यूक्लियर चार्ज. प्रोटोन्स के नंबर से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा. ओके, बट द स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज मोर वेन यू मूव डाउन द ग्रुप. सो दैट्स वाई दे आर हाईली स्क्रीनिंग. ओके, तो ज्यादा स्क्रीनिंग होने से क्या होता है कि वो न्यूक्लियर चार्ज से बढ़ जाते हैं और उनका साइज जो है वो ज्यादा है. ओके, सो दिस मार्क्स देयर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर एंड व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप देयर टेंडेंसी टू डोनेट सिंगल इलेक्ट्रॉन इट इंक्रीजेस आल्सो.
melting and boiling point, as I already told you that the melting and boiling point values they are quite low. क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में जो bonds बनते हैं they are the metallic bonds. Okay? And the metallic bonds they are formed by the kernels and the valence electrons. तो kernel का size होना चाहिए छोटा, small size, और electrons का number होना चाहिए ज्यादा. So this leads to the formation of a strong bond. तभी जो है वो बॉन्ड कैसा बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है. बट इस केस में आप देखो कर्नल का साइज आया, एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि आयनिक रेडियाई जो है वो ज्यादा होते हैं इनके. तो पॉजिटिव चार्ज का साइज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स भी एक हैं, तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई दे शेयर्ड अ वीक बॉन्ड, वीक मेटालिक बॉन्ड दे आर हैविंग. सो दैट्स व्हाई दे आर हैविंग वेरी लो वैल्यूज ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. So corresponding their densities will also be less. Okay. The next factor, that is the hydration energy. Hydration energy, hydration enthalpy. So actually this is the hydration energy, this is the energy released whenever your ions they get hydrated in water. ठीक है, तो जितना ज्यादा आयन जो है वो पानी में इजिली हाइड्रेट हो जाता है. हाइड्रेट का मतलब क्या है, सी वी आर हैविंग दिस आयन, ओके, जो आपके एल्कली मेटल्स हैं इनके आसपास जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स अपना एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो क्रिएट करते हैं, इसके आसपास जो है वो सराउंड कर जाते हैं. Okay, so in this process, more the ion will be close to these water molecules, more is the energy released in this process. Utni hi zyada energy jo hai wo release hogi. But again here, there is one condition ki jo ion hai, uska size jo hai wo kaisa hona chahiye? Small size hona chahiye. Size chota hoga, uske aas paas kyunki positive field zyada hota hai. You know this thing? The small size of the ion, it actually increases or it actually creates more positive effect. जितना ज्यादा साइज छोटा है यानी कि उतना ज्यादा उसके अराउंड जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, एंड द नेगेटिवली चार्ज्ड वाटर मॉलिक्यूल्स दे विल बी सराउंडिंग वेरी वेरी इजीली अराउंड दिस. Okay, and this corresponds to the increase, or this corresponds to the increase in the high amount of energy that is released in the hydration process. So, उतनी ही ज़्यादा आपकी hydration enthalpy जो होगी value उसकी ज़्यादा होगी. Okay, but what do you think, which will be having more value and which will be having less value? Yes, if I'm having alkali metals as lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium, इनमें से किसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है, किस आयन की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी और किसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो कम होगी? Yes, anyone? Which ion will be having more hydration enthalpy? हाँ जी बेटा बोलिए. If more hydration enthalpy, okay, lithium is having more hydration enthalpy. As I have already told you, कि इनमें से जो small size का ion होगा, that will be more effective in creating a positive charge. और उसके आसपास ज़्यादा जो water molecules हैं, वो surround करेंगे. So in this context, what we are talking about the more hydration enthalpies in case of lithium. Okay. तो लिथियम के केस में जो हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होगी वो ज्यादा है. व्हाट दैट मींस दैट लिथियम इट कैन बी इजीली हाइड्रेटेड, आप लिथियम को इजीली हाइड्रेट कर सकते हो, बट जो बाकी हैं दे विल नॉट रेडिली हाइड्रेटेड. ओके, तो इसीलिए जो लिथियम के सॉल्ट्स हैं वो पानी में जल्दी डिजोल्व हो जाते हैं, दे आर एक्चुअली हाइड्रेटेड टू अ मैक्सिमम एक्सटेंट. ओके, this is about the hydration energy. Now let's move to the next concept of flame colors. Again, very very important.
एंड दे आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. तो आपको प्रैक्टिकल्स में भी इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, द फ्लेम कलर. अदिति, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस हाइड्राइड ऑल्सो. ठीक है, सीजियम एंड लिथियम हाइड्राइड हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी, व्हेन वी विल बी डूइंग द रिएक्शन विद द हाइड्रोजन्स. ओके, एक्चुअली द आयनिक करेक्टर इट इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, राइट. चलिए नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कलरेशन. टू फ्लेम As I was telling you that this is actually the important question from your practical point of view also, क्योंकि practicals में भी जब आपने solve करने हैं preliminary, तो उसमें भी आप flame colors जो हैं वो check करते हो. ठीक है, तो the different elements, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, they actually show you some colorations, right? When you have taken their salt. तो हमने इनका कोई सॉल्ट ले लेना है, लेट इट बी विद द क्लोराइड. जैसे आपने लिथियम क्लोराइड ले लिया, सोडियम क्लोराइड ले लिया, तो हमने इनके सॉल्ट्स लेने होते हैं. ओके, सो लेट्स मोस्ट प्रोबेबली हम क्लोराइड्स ले लेते हैं इनके. ओके, मेटल के क्लोराइड्स को हमने लेना है. ओके, देन वी विल बी हीटिंग देम ऑन द प्लेटिनम वायर. आपको प्लेटिनम वायर दी जाती है, यहाँ प्लेटिनम वायर के साथ कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट ऑन द टिप ऑफ योर पेंसिल ऑल्सो. तो आपने पेंसिल की टिप पे ये थोड़ा सा सॉल्ट लगाना है, ठीक है, इन इट्स वेट फॉर्म, एंड देन यू विल बी एक्सपोजिंग इट टू द फ्लेम ऑफ द बर्नर. फिर आपने उसको बर्नर की फ्लेम पे रखना है. ओके, नाउ व्हाट यू विल ऑब्जर्व, आप ये देखोगे कि जब आप उसको फ्लेम के अंदर रख रहे हो तो आपके पास डिफरेंट कलर्स जो हैं दे आर गिविंग यू. ओके, जैसे लिथियम के लिए आपके पास आता है क्रिम्सन रेड, जैसे ईंट का कलर होता है ना, दैट इज क्रिम्सन रेड. ईंट से थोड़ा सा लाइट जैसे शेड हो जाती है आपका, इन ईंट वाला ब्रिक रेड में चला जाता है, थोड़ा सा लाइट में आ जाएगा आपका, तो वो क्रिम्सन रेड में हो जाता है. सोडियम के लिए आती है आपकी गोल्डन येलो. You will be getting a flame of golden yellow for sodium. Potassium के लिए आपके पास आएगी pale violet. Rubidium के लिए violet flame, and for the cesium you will be getting a blue flame. Okay, right? तो आपको flame colors जो है वो generally पूछ लेते हैं that what color of the flame will be given by the salt of the potassium. By the salt of sodium, lithium, rubidium, cesium, तो ये कौन सा कलर देते हैं. Now, what is the logic behind this? तो कलर्स जो हैं वो हमें यही पता है कि there is the excitation of the electrons. तो in the second chapter you have discussed about the electromagnetic waves. ठीक है, E is equal to h nu. तो उसमें आप पढ़ के आए हो कि किस corresponding frequency के साथ कौन से कलर्स जो हैं वो आपको visible areas में नजर आते हैं. ओके, बट हेयर ऑल्सो देयर इज वन कंसेप्ट अबाउट द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो यू नो दे आर हैविंग ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एंड दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इट कैन बी इजीली एक्साइटेड टू द हायर स्टेट्स. ओके, तो दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन गेटिंग द एनर्जी इट विल बी गेटिंग टू द हायर स्टेट्स, टू द एक्साइटेड स्टेट्स. ओके, फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट. तो ये अपनी ग्राउंड स्टेट से कहाँ पर जाता है, एक्साइटेड स्टेट्स में जाता है. एंड व्हेन इट इज मूविंग बैक अगेन टू इट्स ग्राउंड स्टेट, इट विल बी रिलीजिंग इट्स एनर्जी विच इट हैज एब्जॉर्ब्ड अर्लियर. तो एनर्जी उसको कहाँ से मिल रही है, जो आपका बर्नर है वो उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है एक्साइटेशन के लिए. ओके, सो फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन इट गेट्स एक्साइटेड ऑन एब्जॉर्बिंग द एनर्जी फ्रॉम द बर्नर. एंड देन After returning from the excited state, जब वो excited state से वापस आ रहा है, it is losing that energy in the form of waves. Okay? तो यहाँ पर आपकी corresponding जो है वो wave जो है वो जिस region में fall करती है visible region के, तो आपको corresponding वही colors जो है वो नजर आएंगे.
okay? So these waves, they will be falling in the emitted radiations, they will be falling in the visible region of the spectrum, okay? So that's why you will be able to see the colors. Any doubt, beta? But again, here there is one main difference, or there is one thing about the lithium. ठीक है, जो पहला मेंबर है, हमने पहले भी पढ़ा है कि लिथियम जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है क्योंकि उसका साइज छोटा हो जाता है. तो साइज छोटा होना जो है वो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को देता है फॉर द फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली. तो हम ये पढ़ेंगे कि हमेशा हर बार जो फर्स्ट मेंबर है किसी भी फैमिली का, वो थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करता है. नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, वो रीजन हम बाद में पढ़ेंगे, बट हियर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लिथियम. So as I was talking about the lithium जो है वो ये first members जो होते हैं हर एक family के थोड़े differently behave करते हैं. And similarly if I talk about the lithium here, अब again lithium का size जो है वो छोटा है, okay? Small size का मतलब क्या है कि जो positive field है वो ज्यादा है. अभी मैंने आपको बताया कि अगर size छोटा होता है तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज है, द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन्स, दैट इज मोर. इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस है उसने उस इलेक्ट्रॉन को बहुत ही अच्छे से होल्ड करके रखा हुआ है. ओके, देयर इज अ वेरी वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑफ दिस पर्टिकुलर एटम फॉर द लिथियम ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन कि हमें जो एक्साइटेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, ओके, जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा हो जाती है लिथियम की. अगर मैंने ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना है तो उसके लिए मुझे उसको ज्यादा एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी. ओके, सो दैट्स व्हाई द लिथियम इट रिक्वायर्स मोर ऑफ इट्स एनर्जी फॉर द एक्साइटेशन एज कंपेयर टू द अदर सेम एटम्स. ओके, हाँ जी, इज दिस क्लियर? तो यहाँ पर आपका लिथियम जो है उसको ज्यादा एनर्जी लगती है एज कंपेयर टू द अदर मेंबर्स दैट कैन इजीली लूज द इलेक्ट्रॉन. हाँ जी बेटा, इज दिस क्लियर? राइट, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ नेक्स्ट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो ये फ्लेम कलरेशन, आपने फ्लेम्स के ये नेम्स एटलीस्ट जरूर अच्छे से याद रखने हैं कि कौन सा जो है वो कौन सी फ्लेम दे रहा है. And what is the reason for the flame? Now coming to the next is photoelectric effect that we have already studied. Next is photoelectric effect. So this we have done also in our second chapter where we did the ejection of the electrons. Photo means light. Okay. Electric means electrons. So हमने क्या करना है, हमने अपने electrons को क्या करवाना है, eject करवाना है. There is ejection of electrons. कहाँ से करवाना है हमने? Metal की surface से. तो हमारे पास ये सारे मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप तो इजेक्ट हो नहीं जाएगा. ओके, व्हाट वी हैव टू डू इज हमें कुछ एनर्जी उसको सप्लाई करनी पड़ेगी. ओके, सो दैट इज द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल व्हेन अ हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस फॉल ऑन इट, और यू कैन से व्हेन फोटो इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक इट. When photons strike it. Okay, तो फिर जो ejected electrons होते हैं आप उनको photo electrons कहते हो. And the current is known as photoelectric current. So all these phenomena we have discussed, right? But now what we want to study is the effect of this corresponding to different metals. कि कौन सा जो है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जल्दी शो करेगा, कौन सा जो है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं शो करेगा या लेट शो करेगा. हाँ जी, एनीवन?
हाँ जी, इसमें से कौन सा और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो जल्दी शो करेगा इन द विजिबल रीजन अगर हम बात करें? अगेन एनोमली फॉर द लिथियम, यस सीजियम विल शो मोर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एज कम्पेयर टू द लिथियम। अगेन मैंने जैसे आपको पहले बताया है कि जो फर्स्ट मेंबर है वो थोड़ा एनोमलसली बिहेव करता है, थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करता है। ओके, अगेन हेयर द लिथियम इट विल बी बिहेविंग डिफरेंट ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड ड्यू टू द हाई न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा है जिसके कारण ये जो लिथियम है इट इज बिहेविंग डिफरेंट। अब अगेन जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि कलरेशन के लिए भी हमें बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ इनिशिएशन एनर्जी जो है वो, एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो चाहिए होती है। ओके, एंड द बर्नर इज नॉट एबल टू प्रोवाइड दैट। तो हमें ज्यादा से ज्यादा उसको एनर्जी जो है वो इनिशिएशन के लिए, एक्साइटेशन के लिए प्रोवाइड करनी पड़ती है। एंड सेम इफ आई टॉक अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन दिस केस द नंबर ऑफ फोटोन्स वी विल बी रिक्वायरिंग विल बी मैक्सिमम। ठीक है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी तभी वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट होगा। ओके, बट द वैल्यू इज वेरी वेरी हायर फॉर द लिथियम। कि लिथियम जो है अगर आप विजिबल रीजन में देखो तो विजिबल रीजन में जो लिथियम है वो नहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता, बिकॉज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द लिथियम इट डजंट फॉल इन द विजिबल रीजन। व्हाइल द अदर मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप दे विल शो द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन द विजिबल रीजन ऑफ द लाइट। तो जो विजिबल रीजन की जितनी लाइट वेव्स की फ्रीक्वेंसी है, जब उन वेव्स की आप स्ट्राइक करवाओगे, ठीक है, दे विल बी इजिली इजेक्टिंग आउट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सोडियम पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम, दे विल बी इजिली इजेक्टिंग आउट। बट सेम इज नॉट ट्रू फॉर द लिथियम, जहां पर लिथियम के जो है, ओके, इफ वी आर स्ट्राइकिंग द फोटोन्स दैट आर इन द विजिबल रीजन, दे डोंट हैव दैट सफिशिएंट एनर्जी टू डू द एक्साइटेशन प्रोसेस, to do the ejection process, okay? So यहाँ पर lithium जो है वो photoelectric effect visible region में specifically नहीं show करता है, पर जो बाकी हैं वो easily show करते हैं। हाँ जी, is this clear बेटा? So cesium जो है वो जल्दी photoelectric effect show करेगा, maximum extent तक करेगा। तो आपको याद होगा तो मैंने वहाँ पर आपको cesium की ही example दी थी for the photoelectric effect, okay? Why? Because size बड़ा है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली एक्साइट हो जाएंगे। बट यहाँ पर जैसे जैसे आप ऊपर से स्टार्ट होंगे, साइज जो है वो छोटा होगा बट न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा है। ओके, तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने के कारण जो एक्साइटेशन है इलेक्ट्रॉन की, इट विल बी नॉट पॉसिबल वेरी वेरी इजिली। ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स। नाउ लेट्स मूव टू द केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ if we talk about the chemical properties of alkali metal, so chemical properties mein you know alkali metals they are highly reactive, okay, chemically they are very very reactive. So that's why from your lower classes also you keep on studying why sodium and potassium they are kept in kerosene. Okay, they are not exposed to the air, to the moisture, because of their highly reactive nature. ठीक है, ionization energy कम है तो electron जो है वो बहुत जल्दी excite हो जाता है. Okay, and this makes them highly highly reactive. Okay. Now, due to their high reactive nature, they can easily form compounds with oxygen, with carbon, and with water. Okay? So, जब आपको पता है, whenever the metal they react with oxygen, they will be forming the metal oxide. तो ये क्या बनाते हैं? ये metal के oxide बनाते हैं, having the general formula of M2O. ओके, हैविंग द जनरल फॉर्मूला ऑफ M2O, क्योंकि मेटल M पॉजिटिव है, ऑक्सीजन O2 नेगेटिव है. ओके, सो जब आप इसका क्रिस क्रॉस करोगे तो ये 2 यहाँ पर आएगा और इसका 1 इधर जाएगा. सो द जनरल फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड्स विल बी M2O. नाउ दीज ऑक्साइड्स लेट अस डू फर्स्टली फॉर द वॉटर.
नाउ दीज ऑक्साइड्स ऑन रिएक्शन विद वॉटर, जब ये ऑक्साइड्स जो हैं वो पानी के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो दे विल बी फॉर्मिंग द मेटल हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो ऑक्साइड्स से आपके क्या बन जाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स बन जाते हैं. एंड व्हेन दीज मेटल ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स दे विल बी रिएक्टिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो यहाँ पर इनके कार्बोनेट्स बनते हैं विच इज M2CO3 अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन वाटर सॉल्ट अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ वाटर. सो दिस M2CO3 इज द कार्बोनेट. तो कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास ऑक्साइड्स बन जाते हैं व्हेन एवर द मेटल्स दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन विद वाटर दे विल बी गिविंग यू हाइड्रोजन ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड. ओके, एंड इन द सेम वे दे विल बी गिविंग यू द कार्बोनेट्स M2CO3. ओके, अगेन जनरल क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं व्हाई दे आर सो रिएक्टिव ड्यू टू देयर लो आयनाइजेशन एनर्जीज दैट दे कांट बी प्लेस्ड इन एयर दे कांट बी प्लेस्ड इन द वाटर. अगेन रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा विग्रस होती है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस. ओके, तो इतनी ज्यादा रिएक्शन विग्रस होती है कि स्प्लैश आउट भी हो सकता है. ओके, इज दिस क्लियर, द रिएक्शन इज सो विग्रस दैट इट कैन लीड टू अ स्प्लैश आउट ऑफ द थिंग्स ऑन यू ऑन द पर्सन दैट इज देयर. सो दैट्स व्हाई दे आर ऑलवेज केप्ट इन द कैरोसिन सो दैट दे आर नॉट एक्सपोज्ड टू द एयर एंड द वॉटर. Okay, right, now let's talk about the reaction with the oxygen now specifically. So agar main oxygen ke sath bhi baat karun to jo different aapke metals hain they will be reacting in a different way with the oxygen. If I talk about the लिथियम की रिएक्शन अगर मैं वाटर के ऑक्सीजन के साथ डिस्कस करूं देन इट इज फॉर्मिंग अ नॉर्मल ऑक्साइड. दिस इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल ऑक्साइड दैट इज Li2O, क्योंकि यही बनना चाहिए था, राइट, अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी कंसेप्ट तो Li2O ही बनना चाहिए था, राइट. इज दिस क्लियर, वेयर एज द सोडियम, अगर मैं सोडियम की बात करूं Na, सोडियम की जब रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ तो डेट इज गोइंग टू गिव यू Na2O2. ओके, दिस इज ऑल्सो एन ऑक्साइड बट जैसा लिथियम ने बनाया है वह वैसा ऑक्साइड नहीं है. तो डेट मीन्स हेयर द ऑक्सीजन इट इज प्रेजेंट इन विच स्टेट लाइक दिस. ओके, ऐसे ही हुआ होगा, O2 नेगेटिव स्टेट में प्रेजेंट है, सो दैट्स व्हाई वी हैव फॉर्म्ड दिस. दो सोडियम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो 2 नेगेटिव आया. एंड सिमिलरली फॉर द पोटेशियम, इफ आई टॉक अबाउट द पोटेशियम K+O2, अब इसने थोड़ा और डिफरेंट बनाया है. यहां पर उसने दो सोडियम के साथ बनाया था, यहां पर इसने एक पोटेशियम के साथ O2 बनाया है. तो कैन आई से दिस O2 नेगेटिव, हाँ जी ऐसा ही बना होगा O2 नेगेटिव. सो दिस इज द नॉर्मल ऑक्साइड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज. दिस इज द नॉर्मल ऑक्साइड, दिस इज नोन एज पेरोक्साइड, इसको हम पेरोक्साइड कहते हैं जब दो ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज हो. ओके, द नेक्स्ट वी कॉल्ड एज सुपर ऑक्साइड. तो ये 3 ऑक्साइड होते हैं ऑक्सीजन के विच यू हैव टू रिमेंबर नाउ. देयर इज नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड देयर इज द लास्ट वन दैट इज कॉल्ड एज सुपर ऑक्साइड. यहां पर एक ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, यहां पर 2 ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है. दैट मीन्स ईच ऑक्सीजन इज हैविंग नेगेटिव चार्ज. Here 2 oxygen is having only 1 single negative charge. So that forms the super oxide. तो lithium जो है वो normal oxide बनाता है, sodium जो है वो peroxide बनाता है, और बाकी जितने हैं potassium है, rubidium है, cesium है,
they all form the superoxides. Now, why they are forming the superoxides? Again, the reason is due to their size. Okay, the reason is same according to their size. अब आपको पता है कि लिथियम जो है वो साइज में छोटा है. It is small in size. Okay, तो it can stabilize. अब इसका साइज छोटा होने के कारण जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी ज्यादा है, तो वो नॉर्मल ऑक्साइड वाले जो नेगेटिव चार्ज को इजिली बैलेंस आउट कर लेता. ओके,